नमस्ते शश्रीकाल किंचो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ये नासिक स्टाइल चूड़ा की नमकीन, यानी कि पोहा वाली नमकीन विद ड्राई फ्रूट्स। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हेल्दी इवनिंग नमकीन या मॉर्निंग में आप चाय के साथ ले सकते हैं। कम तेल में बनाई है बिना डीप फ्राई के। आइए देखते हैं कैसे बनाया मैंने नलिनी किचन में। पोहा की नमकीन बनाने के लिए चाहिए हमें 2 कप पोहा। मैंने यहाँ पतला वाला पोहा लिया है, इसमें कम तेल लगेगा जब हम पोहा वाली नमकीन बनाएंगे। तो साथ ही ड्राई फ्रूट्स में हमने पतले कटे हुए नारियल लिए हैं और इस तरीके से पतला पतला सूखा नारियल काट लिया है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में ये मखाने हैं, थोड़े से बादाम, काजू, किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और आप अगर चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स पूरी तरीके से हटा सकते हैं। सिर्फ मूंगफली के साथ ये चूड़ा की नमकीन बना सकते हैं या पोहे की ये नमकीन बना सकते हैं। और मूंगफली लिया हमने 1 छोटा बोल। मसालों में हमें चाहिए काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक 1 टीस्पून। नमक और काला नमक दोनों आप टेस्ट अकॉर्डिंग लें। ध्यान रखें कि दोनों ही नमक है लेकिन टेस्ट काला नमक को डालने से अच्छा आता है। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, 3 मैंने खड़ी मिर्च ली है। ये मिर्च अगर आप खाते हैं तो ये ले स्वाद अनुसार, इसकी जगह आप 4-5 खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये है टाटरी पाउडर और ये बाजार में इजीली अवेलेबल है। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि आपका जो नमकीन है बहुत लंबे समय तक चलेगा और वो जो बाजार का हल्का खट्टापन आता है ना, वो जो अलग तरह का आता है, वो टाटरी पाउडर का ही आता है। इसके अलावा हमने लिया है 1 टीस्पून, ये है अमचूर पाउडर और आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी चाट मसाला नहीं था तो मैं इसकी जगह ये खटाई पाउडर यूज कर रही हूँ। बस इतने ही सामान से हमारा ये नमकीन बन जाएगा, वो भी झटपट। आइए देखते हैं लेकिन हमने ये कम तेल में कैसे बनाया बिना डीप फ्राई के। एक कढ़ाई या पैन लें और उसमें मैं इनिशियल स्टेज पे डालूंगी सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल। हम मूंगफली फ्राई करेंगे पहले। जब तेल गर्म हो जाए ना तभी आप मूंगफली डालें और इसको लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इस तरीके से भुनना है। ध्यान रहे अगर आप तेज आंच पे इसको भुनेंगे ना तो मूंगफली जल जाएगी लेकिन पकेगी नहीं, तो हमें धीमी धीमी आंच पे इसे भुनना है जब तक कि मूंगफली क्रैक ना हो। आपको दिखाऊंगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसे कलर चेंज होने तक और इसे क्रैक होने तक इसे भून लेना है। आप ये देख रहे होंगे कि ये देखिए ये क्रैक होने लगी है मूंगफली, और ये बिगनर्स भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप इसे बना करके दें। इससे उनका मन मस्तिष्क भी बहुत मजबूत रहेगा और उनका पढ़ने में मन लगेगा क्योंकि ये सारी चीजें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हैं। फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे मूंगफली बिल्कुल हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑयल बच गया है और इसी ऑयल में हम अपने काजू किशमिश भी रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ही कम तेल में मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद हम ऐड करेंगे ये बादाम और काजू, साथ ही हम इसमें नारियल भी डाल देंगे जो हमने ये नारियल सूखा नारियल काट के रखा हुआ है, और इसको भी हम धीमी आंच पे भून लेंगे। हल्का सा लाल कलर आएगा बस, इसके बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये चीजें हमें बहुत ज्यादा नहीं पकानी है, बहुत जल्दी पक जाएगी। आप ये देख रहे होंगे काजू पे तो काफी अच्छा कलर भी आ गया है। बस ये हो चुका है और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। मैं ये सारी चीजें आपको ऐसे अंदाजे से बता रही हूं ताकि आप कभी भी परेशान ना हो। अब मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल और डालूंगी और इसमें अब डालेंगे हम ये मखाने। कम तेल में बना रही हूँ मैं, ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। आप इसको देसी घी या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं और इसको भी हम लो टू मीडियम आंच पे भून लेंगे। आप इसे टिफिन में भी ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में आप इसको एक साइड में जरूर रखें और चाय के साथ आप ये जरूर खाएं। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता होगा। मखाने भी हो गए हैं और इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी सेम कढ़ाई में ना थोड़ा सा बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए हम ये किशमिश और ये
चिरौंजी डाल के इस तरीके से बस थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, और इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून, क्योंकि पोहा को भूनने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं इसलिए। और इसमें हम ये पोहा डालेंगे, लेकिन एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से, और इसको फटाफट हम इस तरीके से चला लेंगे। और अब ध्यान रहे जो हीट है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए, और आप ये देख रहे होंगे पोहा खिला खिला सा हो गया है। और आप इसके लिए पतला पोहा ही यूज करें जो दिवाली पे प्रायः मिलता है। अब इसको भी हम एक थाली में निकाल लेंगे, और अगेन अभी तेल उसमें है तो हम इसमें ये डालेंगे पोहा, और फटाफट फटाफट ये मिक्स करेंगे, ये देखिए, और ये बन गया, तुरंत ही खिल जाएगा अगर गर्म है आपका कढ़ाई, ये देखिए, बस इसको निकाल लेंगे। तो हमने थोड़े से ही तेल में इतना ढेर सारा पोहा निकाल लिया, इसको भी फटाफट कढ़ाई में निकालेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। इसी तरीके से सारे पोहे तैयार कर लेने हैं। अगर कढ़ाई में तेल बचा हो तो उसी में करें, नहीं तो 1 टीस्पून ऑयल और डालें। अब उसमें डालने की बारी है गर्म हो जाने पे ये लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, सॉरी वीडियो जो है ऑन नहीं हुआ था तो मैंने इसमें अभी डाला मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स जो थे, काला नमक और नमक, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और ये सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। गैस को करेंगे बंद, और इसमें हम ये जो पोहा है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। पोहा डालने के बाद ये हम टाटरी पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और टाटरी पाउडर डालने के बाद हम देंगे इसको अच्छा सा मिक्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ, मुझे यही कलर अच्छा लगता है। और अब इस नमकीन को हम थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। तैयार है हमारे चूड़ा वाली नमकीन, जो कि नासिक में भी बहुत फेमस है, बच्चों के लिए हेल्दी है, घर परिवार के लिए बहुत हेल्दी है, और बना करके इसे तकरीबन आप 3 महीने स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। फ्रेंड्स ये तैयार हो गई है हमारी नमकीन। मैं इसमें 2 बातें बताऊंगी, जो टाटरी पाउडर है बहुत ही कम, 1/2 टीस्पून से भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत खट्टा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही अमचूर पाउडर या चाट मसाला मिलाएं, जरूरत ना हो तो ना मिलाएं। अगर आप खट्टा कम खाते हैं तो इसकी मात्रा और कम कर दें। दूसरा ये, अगर आप चाहते हैं इसमें ऑयल की और मात्रा कम हो जाए तो पोहा निकालते वक्त आप छन्नी का यूज करें, पोहा निकाल करके छन्नी के अंदर पलट दें, जब सारा ऑयल उसका ड्रेन हो जाए तब आप ये सारी चीजें मिक्स करें। तो एंजॉय करें ये पोहा वाली नमकीन विद योर टी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें नलिनीज किचन।